तो गाइज जब हम हमारे फोटोज पे आउटलाइन लगाते हैं तो वो काफी अच्छा लगता है, राइट। पर एक के बजाय अगर हम दो आउटलाइन लगाते हैं अलग अलग कलर के तो वो और भी ज्यादा कूल लगता है, कुछ इस तरह से। तो सवाल ये है कि ये डबल आउटलाइन कैसे बनाते हैं हम कैनवा में, इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। पर उससे पहले ये इंट्रो। व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अनिर्माण, वेलकम टू टीचिंग मंक। तो ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, इस वीडियो के थंबनेल पे मैंने अपनी एक फोटो लगाई हुई है जिसके ऊपर मैंने एक डबल आउटलाइन बनाया हुआ है। डबल आउटलाइन मतलब एक व्हाइट कलर का, एक ऑरेंज कलर का। तो अब मैं आपको सीधा मेरे कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डबल आउटलाइन मैंने कैसे बनाया। आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे नहीं, हमें डबल आउटलाइन की जरूरत नहीं है, बस एक आउटलाइन बता दो कैसे बनाना है। तो इस वीडियो को आप भी देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिंगल आउटलाइन भी बताने वाला हूँ और डबल आउटलाइन भी बताने वाला हूँ। तो अब सीधा मेरे कंप्यूटर पर चलते हैं और मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइज आगे हम हमारे कंप्यूटर पे, अब सीधा ब्राउजर ओपन करते हैं और इसमें ओपन करते हैं कैनवा। और कैनवा में वो वाला डिजाइन ओपन करते हैं जो मेरे इस वाले थंबनेल का है, जो कि ये है। अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ आप देखते हो कि ये थंबनेल प्रॉपर है, जैसा होना चाहिए वैसा, बस मेरा इमेज नहीं है, मेरा फोटो नहीं है। तो फोटो के बारे में बात करें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि जब आप किसी फोटो के अराउंड आउटलाइन बनाना चाहते हो तो ये बिल्कुल ज़रूरी है, कंपलसरी है कि उस फोटो का जो है बैकग्राउंड पहले से निकाला जा चुका होना चाहिए। मतलब आप अगर कोई इमेज यूज़ कर रहे हो या कोई फोटो यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो पहले से निकाल के रखना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है कि एक इमेज का बैकग्राउंड कैसे निकालते हैं तो उसके लिए मैंने एक क्रिस्प 2-3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना रखा है जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में उसका एक कार्ड भी दे दूंगा, तो उसको आप बाद में देख लेना, पहले ये वाला वीडियो देख लेते हैं, मगर वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें इमेज चाहिए, तो मैंने इस इमेज को अपलोड कर रखा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपलोड्स में जाएंगे और अपलोड में जाने के बाद ये वाला इमेज है जिसको हमें लाना है। तो लाने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये बस मैं इमेज को यहाँ पे अपलोड्स में जाने के बाद इस इमेज को क्लिक करता हूँ तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे आ जाता है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब ये लेफ्ट की तरफ देख रहा है मगर मेरा जो सारा टेक्स्ट है वो राइट की तरफ है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं काम करता हूँ, इसको फ्लिप कर देता हूँ, फ्लिप में जाऊँगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये राइट की तरफ देखने लग जाएगा। दैट इज जस्ट, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब हमें इसको एक आउटलाइन देना है। तो आउटलाइन देने के लिए मैं सबसे पहले इमेज को क्लिक करूँगा, एडिट इमेजेस में जाऊँगा, शेडोज़ में जाऊँगा, ग्लो में जाऊँगा और ग्लो को दोबारा क्लिक करूंगा ग्लो के सेटिंग्स के लिए। तो ग्लो के सेटिंग्स क्या है? साइज, ट्रांसपेरेंसी, ब्लर और कलर, इन चारों को हमें चेंज करना है। सबसे पहले हम पहला वाला आउटलाइन दे रहे हैं जो कि हम व्हाइट कलर का देंगे, तो हम सबसे पहले कलर को व्हाइट कर देंगे, ब्लर को कर देंगे 0 और ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 100। जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंसी 100 कर देता हूँ तो आप देखो एक हल्का सा पतला सा एक आउटलाइन बन गया है, ठीक है। अब इस आउटलाइन, ये जो पतला आउटलाइन है, इसको मोटा करने के लिए आप साइज को मोटा कर सकते हो, तो मैं इसको 8 पिक्सल पर रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पहला आउटलाइन। अगर आपको दूसरा आउटलाइन बनाना है तो यहाँ पे आप रुक नहीं सकते, आपको पहले अप्लाई का बटन दबाना पड़ेगा। तो अप्लाई का बटन दबते ही ये वाला आपका पहला आउटलाइन जो है वो बन गया। अब आपको बाहर कहीं पर भी क्लिक करना है और बाहर क्लिक करने के बाद दोबारा आप इस इमेज को क्लिक करना और फिर एडिट इमेजेस में जाएंगे। यहाँ पे जो ग्लो दिख रहा है इसको हम नहीं क्लिक करेंगे, हम ऊपर जाएंगे और शैडोज़ को फिर से क्लिक करेंगे और फिर से ग्लो में जाएंगे और फिर से ग्लो के सेटिंग्स में जाएंगे। और अब की बार हम कलर कौन से चूज करेंगे? ये वाला ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज का कलर लेंगे, ब्लर को सिमिलरली 0 कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी को फिर से 100 कर देंगे और हमारा जो साइज है उसको 7 या 8 कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा डबल आउटलाइन जो है एकदम तैयार है, अब दिख रहा है यहाँ पे डबल आउटलाइन। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी आपको, कि ये चीज़ मैं बना पाया क्योंकि मेरे पास एक इमेज थी जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव किया हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये इमेज नहीं होती और मैं ज़बरदस्ती उसको एक आउटलाइन लगाने की कोशिश करता तो वो कैसा दिखता वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मतलब बैकग्राउंड रिमूव अगर आपने किया हुआ नहीं है उसको अगर आप आउटलाइन देने की कोशिश करते हो तो वो कैसा दिखता है वो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो इस इमेज को डिलीट करते हैं, मैं इस दूसरे इमेज को लेके आ जाता हूँ जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ नहीं है। इसको थोड़ा सा लेफ्ट से और राइट से क्रॉप कर देता हूँ और इसको यहाँ पे लाके रख देता हूँ। आप ऑलरेडी देख सकते हो कि ये इमेज काफ़ी ख़राब लग रहा है। पहली बात तो ये डिज़ाइन के साथ जा ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर ज़बरदस्ती इसको हम एक आउटलाइन देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। एडिट इमेजेस में जाएंगे, शेडोज़ में जाएंगे, ग्लो में जाएंगे, ग्लो को फिर से क्लिक करेंगे और वाइट का कलर ले लेंगे, ब्लर कर देंगे 0, ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 100 और साइज कर देंगे वटेवर 10-12 कुछ। तो आप देख सकते हो कि इसने आउटलाइन बना के दिया है मुझे, लेकिन मेरे बॉडी के अराउंड आउटलाइन नहीं बनाया है उसने। इस पूरे इमेज का जो रेक्टेंगुलर शेप है उसके अराउंड उसने एक आउटलाइन बना दिया, तो ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए, राइट। तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अगर हम इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करें तो करें कैसे। इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए remove.bg या कैनवा वगैरह के चक्कर में आप मत पड़ना, क्योंकि remove.bg फ्री में देता है मगर फ्री में हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं देता, और कैनवा आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज देता है मगर वो फ्री में नहीं देता। और हमें एक ऐसा टूल चाहिए जो हाई रेजोल्यूशन इमेज भी दे, वो भी फ्री में। और ऐसा एक टूल है, दुनिया में एक ऐसा टूल है और बहुत अच्छा टूल है, जिसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक छोटा सा क्रिस्प 2-3 मिनट का वीडियो बना रखा है, जो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने इमेजेस से पहले बैकग्राउंड रिमूव करो, उसके बाद उसको आउटलाइन दो, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट करना। अब यहाँ तक आए हो तो आपको कुछ अच्छा तो लगा ही होगा, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में।